सो माय डियर स्टूडेंट्स, तो आज का जो टॉपिक है ना, लेटेस्ट वाले सेंटेंस को हम लोग कैसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्क्रिप्ट में चेंज करते हैं, हाउ टू चेंज लेटेस्ट टाइप सेंटेंस डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्क्रिप्ट, किसको क्या कंडीशन है, सब चीज आज हम लोग देखेंगे। अच्छा देखते हैं, तो लेटेस्ट वाले सेंटेंस जैसे बोलते हैं लेट्स प्ले मैच, चलो मैच खेलते हैं, इसका हिंदी यही होता है लेट्स प्ले मैच, चलो मैच खेलते हैं। लेट्स प्ले फुटबॉल, चलो फुटबॉल खेलते हैं। लेट्स गो टू होम, चलो घर चलते हैं। लेट्स गो टू मार्केट, चलो बाजार चलते हैं। तो लेट्स का मतलब यही होता है। अच्छा देखो, लेट्स लिखने का लेटस लिखे या लेट्स लिखे, देखो लेटस आर लेट्स, ठीक है, दोनों बातें एक ही है। यदि ऐसे ही आते हैं तो हम लोग सेंटेंस को कैसे चेंज करेंगे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में। तो सबसे पहले यहां पर क्या कंडीशन है, हम लोग ये जो सेड टू होता है ना, अर्थात सेड टू को जब हम लोग नरेशन को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में करेंगे तो सेड को हम लोग चेंज कर देते हैं सजेस्टेड में। किसमें चेंज कर देते हैं? सजेस्टेड में, एक चीज हो गया। और यहां पर कंजंक्शन जो लगता है ना, कंजंक्शन यहां पर लगता है, कंजंक्शन दैट लगता है, और दैट कंजंक्शन किसमें आता है? असर्टिव सेंटेंस में आता है। अच्छा, जब दैट कंजंक्शन लग गया तो ये समझ लो उसके बाद वाला सेंटेंस जो रहेगा असर्टिव ही रहेगा, दूसरा कुछ नहीं रहेगा। असर्टिव इट मीन्स हमको वो सब्जेक्ट से ही स्टार्ट करना होगा, अर्थात जो सेंटेंस होगा दैट के बाद वह सेंटेंस सब्जेक्ट से स्टार्ट होगा, राइट। अब जो देखते हैं तो कैसे चेंज करेंगे, तो सेट को किस में चेंज कर देंगे? सजेस्टेड में। कंजंक्शन क्या लगाएंगे? दैट। और जो बाकी सेंटेंस जो असर्टिव बनाएंगे उसको सुड के साथ बनाते हैं, समझते कैसे? अब देखो यहां पर आई सेड टू हिम लेट्स प्ले मैच, ध्यान से देखना भैया, आई सेड को किस में चेंज किए? सजेस्टेड में। तो आई सजेस्टेड हिम दैट, कोई दिक्कत? आई सजेस्टेड हिम दैट। अब दैट लग गया तो यहां पर क्या आएगा? सब्जेक्ट आएगा। अब यहां पर क्या है? अस है। और वी का यह क्या है? ऑब्जेक्टिव केस है। लेकिन अब यहां पर ऑब्जेक्टिव केस में थोड़े रखा जाएगा, सब्जेक्टिव केस में रखा जाएगा। तो इसका सब्जेक्टिव केस क्या हुआ? वी है। तो वी अर्थात फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन की चेंजिंग सब्जेक्ट के साथ, सब्जेक्ट तो अपना ही आदमी, ये भी फर्स्ट पर्सन है, भी फर्स्ट पर्सन, तो कोई चेंजिंग होगी नहीं। तो यहां पर बस क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट, इट मीन्स अस का सब्जेक्टिव केस होगा वी, और वी का चेंजिंग सब्जेक्ट के अनुसार, कुछ चेंजिंग नहीं होगा। तो वी should, we should play match, we should play match, इसको small में कर दो, we should play match, understood? बातें समझ आई? Okay, तो यहां पर first person यदि I रहता तो भी we किए, और यदि यहां पर we रहेगा तो भी हम लोग क्या करेंगे? we ही करेंगे, okay? क्योंकि first person की changing subject कौन सा? subject हमारा अपना आदमी है, okay? अब हम यहां पर देखते हैं you, You said to me, let's read the book. तो यहां पर भी क्या करेंगे? You suggested me that. इतना लगाते हैं। अब देखते हैं यहां पर क्या लिखेंगे? Us. इसका सब्जेक्टिव केस क्या है? We है, अर्थात फर्स्ट पर्सन की चेंजिंग सब्जेक्ट के अनुसार, लेकिन we हमारा क्या है? प्यूरल केस में। और यह यू है, तो यू का सिंगुलर और प्लूरल दोनों एक ही होता है, होता है ना? तो यहां पर फर्स्ट पर्सन की चेंजिंग सब्जेक्ट के अनुसार, अर्थात यू के अनुसार यहां पर होगा, तो सब्जेक्टिव केस यहां पर रखा जाएगा ना। तो यू का सब्जेक्टिव केस सिंगुलर और प्लूरल दोनों में एक ही होता है, तो यू शुड रीड द बुक, यू शुड रीड द बुक, ओके। फिर से देखते हैं, यहां पर फर्स्ट पर्सन का कोई भी है तो किस में चेंज के? वी में रहेगा। सेकंड पर्सन का आएगा तो यू ही। अब थर्ड पर्सन में आएगा तो क्या देखते हैं? ही सजेस्टेड हिम, ही सेड टू हिम लेट्स ईट द फूड दैट, ही सजेस्टेड हिम दैट, अस इट मीन्स वी, और यह प्यूरल केस है फर्स्ट पर्सन का, और इसकी चेंजिंग सब्जेक्ट के अनुसार ही। यदि यहां पर हम लोग ही रखते हैं, यदि हम लोग यहां पर ही रखते हैं तो बेईमानी हो जाएगी, क्योंकि यस हमारा क्या है? एक वी है, उसका सब्जेक्टिव केस वी, और वी यहां पर प्यूरल केस में, यदि सिंगुलर रहता तो ही रखेंगे, सही रहेगा। तो हमारा थर्ड पर्सन का प्यूरल केस ही रखेंगे, क्योंकि ये भी हमारा प्यूरल है। दस रुपये का सामान यदि हम लोग एक रुपये में दे है? तो सस्ता हो जाएगा। एक रुपये में लेकर के मतलब क्या करते हैं कि दस रुपये का सामान जो है
खरीदते हैं और 100 रुपये ले लेते हैं, तो वहां पर भी क्या जो एक बेईमानी हो जाएगी, ना तो ज्यादा ना तो कम। तो ये प्यूरल वाला है, ज्यादा माल दे रहा है उसके जगह पर बस तुम एक ही माल दिए, सिंगुलर वाला तो बिल्कुल बेईमानी हो जाएगी। तो पता करो इसके इक्वल में ही कौन है, वी का प्यूरल ही कौन है थर्ड पर्सन में। तो वी का प्यूरल हमारा क्या है, दे है, तो दे शुड ईट द फूड, थर्ड पर्सन में प्यूरल, ही सी इट दे, तो उसका दे रखेंगे। ओके, यहां पर सी रखते हैं, तो सी suggested, she said to me, she suggested me that, okay, let's go to market, it means फिर से यहाँ पर we आया और इसका changing subject कौन सा, subject third person है, फिर से इसका plural मार क्या होगा, they ही होगा, तो क्या लिखेंगे, they should go to market, देखो कितना simple है। अच्छा यदि नाम आ जाए तो क्या करेंगे, राम से टू रहीम, लेट्स मेक अ फन, तो कुछ नहीं दिक्कत है भैया, सेम हो चाहे राम हो चाहे श्याम हो चाहे सीमा हो चाहे रीना हो, काम अपना करना है। राम सजेस्टेड रहीम, राम सजेस्टेड रहीम दैट अस, मतलब वी, वी का राम, तो हमारे यहां पर भी क्या होगा, दे ही हो जाएगा, दे should make a fun, this should make a fun, okay? तो हम लोग क्या देखना है, यदि first person रहता है I या we रहेगा तो हम लोग us के जगह पर अर्थात we जो रहेगा इसको change करेंगे we में ही, क्योंकि plural केस में you का singular plural एक ही होता है, तो हमारा you ही रखेंगे, और he, she, it कुछ भी आ जाए तो इधर हम लोग क्या रखेंगे, दे ही रखेंगे, बस ये चेंज करना है। देख लो यहां पर क्या है, यदि I और V है तो यहां पर इसके जगह पे V should, सिंपल सी बात है, सेकेंड पर्सन है तो you, थर्ड पर्सन में he, she, it कुछ, क्योंकि हमारा V फर्स्ट पर्सन का, इसका चेंजिंग सब्जेक्ट के अनुसार, तो हमारे यदि यहां पर सब्जेक्ट जैसा रहता उसके अकॉर्डिंग हम लोग वादर को चेंज करते हैं, फर्स्ट पर्सन आएगा तो वी में, सेकेंड पर्सन आएगा तो यू, थर्ड पर्सन का कुछ भी रहता है तो हम लोग क्या रखते हैं, दे रखेंगे। तो मोली थर्ड पर्सन के प्रोनाउन में कंफ्यूजन क्रिएट करता है, ओके, क्योंकि ही सी इट दे राम श्याम कुछ भी नेम आ जाता है सब हमारे थर्ड पर्सन में है। तो इस तरीके से हम लोग लेटेस्ट वाले सेंटेंस को बड़े आसानी से हम लोग डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज कर देंगे, ठीक है। तो ये रहा आपका लेटेस्ट वाले सेंटेंस, यदि आपको कुछ अब भी कंफ्यूजन रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिए, ठीक है।